सेंटर ड्यूज महाविद्यालय परिसर के क्रीडांगन पर चल रहे आमंत्रण लीग कम नॉट आउट फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में केवीएस ने चरगावा को ट्राई ब्रेकर में 3-1 से और नीना थापा क्लब ने उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर रेंज को 1-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। बृहस्पतिवार को विजेता दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद हमजा खान ने कहा, मेरा नाम हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। मंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट गोरखपुर का ये हो रहा है और इसमें कुल 12 टीमों ने प्रतिभाग किया। 4 समूहों में बांटकर ये टूर्नामेंट किया गया और हर ग्रुप से एक टीम जो अंकों के आधार पे विजेता रही उनको सेमीफाइनल में डायरेक्ट मौका मिला खेलने का। उसमें पहला सेमीफाइनल केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स वर्सेस चरगावा ए की टीम के बीच एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 0-0 की बराबरी तक मैच समाप्त हुआ। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट के तहत केंद्रीय विद्यालय की टीम ने 3-1 से मैच अपने पक्ष में कर लिया, जीतकर इस पहले सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि के रूप में MSIE इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी महबूब सईद हारिस मौजूद थे और उनको स्कोर्ट किया महाराजगंज फुटबॉल संघ के सचिव रामनाथ त्रिगुप्त और वहां के उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल जी, साथ में मैं खुद भी था और मेरे संघ के तमाम लोग उनको स्कोर्ट करके मैदान तक ले गए। एक विशेष बात कहना चाहूँगा मैं कि ये प्रतियोगिता में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर जेके लाल और यहाँ के फिजिकल डायरेक्टर एसोसिएट प्रोफेसर मिस्टर जेवियर मारियाराज का, इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्राउंड दिया हुआ है इस टूर्नामेंट को संपन्न कराने में और उनकी अहम भूमिका है। दूसरा सेमीफाइनल आपके समक्ष यूपी पुलिस क्लब और नीना थापा के बीच खेला जा रहा है, ये भी संघर्षपूर्ण मुकाबला है। पुलिस की अनुभवी टीम जबकि वहीं नीना थापा के युवक 1-0 की बढ़त बनाए हुए फर्स्ट हाफ में, संघर्षपूर्ण मुकाबला और आपके समक्ष ये अभी जारी है मैच।